कंग्रेचुलेशंस तैयब, सेमीफाइनल में पहुंच गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा मैच हुआ है जिसमें मैंने कामयाबी हासिल की है। क्या एक्सपेक्टेशन है सेमीफाइनल के लिए आपकी? होपफुली कि कल इसी तरह अच्छा खेलूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा और उसका काफ़ी क्लोज मैच था, मैं मैच बॉल अप था और वहाँ से मैं 3-2, 12-10 आ रहा फिफ्थ में, तो नॉट ईजी, वो सेकंड सीट है और काफ़ी अच्छी चांसेस हैं और इंशाल्लाह कल पता चलेगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वापस आई हैं, जिस तरह हमने देखा स्कॉश का इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि बच्चों को शौक बढ़े, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेशनली हर चीज़ बंद है, तो जब तक प्लेयर्स नहीं आएंगे बाहर से तो प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनके साथ खेलने का। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए, वो इतनी मैच में जैसे इधर गेम खेलते हैं वैसे वहाँ नहीं खेल पाते, तो अगर जैसे इधर स्क्वाश खेलेंगे और देखेंगे लोगों को तो उनसे काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है आपने, यकीनी तौर पर बड़ी मोटिवेशन होगी इस टूर्नामेंट के लिए ये? हाँ जी, बस फर्स्ट टाइम मेरी साउथ एशियन थी और अल्लाह के करम से मैंने 2 गोल्ड जीते हैं, और एक इंडिविजुअल में और एक टीम में, और आपको पता है जैसे इंडिया के साथ मैच आ जाए तो प्रेशर ही एक लहदा चीज़ है, लेकिन बस एक वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैंने जीतना है, तो जिसको मैंने बीट किया है फाइनल में वो एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मैंने उसको फाइनल में बीट किया। कंग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक सेमीफाइनल के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।